यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीएसपी में बड़ा फेरबदल किया है। मुनकाद अली को बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि आरएस कुशवाहा को बीएसपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा जौनपुर से लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव को बीएसपी संसदीय दल का नेता बनाया गया है, जबकि सांसद रितेश पांडे को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया गया है। तो वहीं दानिश अली को बीएसपी संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। हालांकि सांसद गिरीश चंद्र जाटव लोकसभा में बीएसपी के चीफ व्हिप बने रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बीएसपी में बदलाव करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को सूबे में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। वो आरएस कुशवाहा की जगह लेंगे। इसके अलावा आरएस कुशवाहा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इससे मायावती ने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के सभी पदाधिकारी और जोनल कोऑर्डिनेटर की बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती देश भर में बीएसपी के विस्तार करने और नई रणनीति बनाने, यूपी उपचुनाव की तैयारियों और पार्टी में बदलाव को लेकर चर्चा की गई थी, जिसके बाद बीएसपी में ये फेरबदल देखने को मिला है।